इस सुंदर राजहंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको तार का एक क्रैंक बनाना पड़ेगा और उसके साथ में आपको एक गत्ते का डब्बा और एक मोटी स्ट्रॉ चाहिए। साइकिल की स्पोक 20 सेंटीमीटर लंबी लें और उसको प्लास से मोड़ करके एक जेड शेप का एक क्रैंक बनाएं। अब दूसरा वाला जो सिरा है उसको भी एक यू शेप में मोड़ दें। इस तरह से जो इसका हृदय है एक क्रैंक वो बन जाएगा। उसके बाद में एक मोटी स्ट्रॉ लें, उसके बाईं तरफ एक बड़ा सा छेद है और दाईं ओर एक कार्ड शीट का काले राजहंस की गर्दन और चोंच बनी है और ये क्रैंक जो है उस छेद में जाएगा। ये एक डब्बा है गत्ते का और ये देखिए इस गत्ते के डब्बे में दोनों तरफ एक एक छेद है, बीच में खांचा बना है और यहाँ पर दो चैनल बने हैं जो गाइड का काम करेंगे। अब इन चैनल की जो गाइड के अंदर आप स्ट्रॉ को डाल दें और फिर क्रैंक को पिरोएं जिससे कि तार जो है वो दूसरी तरफ से निकल आए। अब ये खिलौना तैयार है। क्रैंक में राजहंस की गर्दन फंसी है और जैसे ही आप क्रैंक को घुमाएंगे ये राजहंस अपनी गर्दन को तेजी से घुमाएगा और जिस तरह से कोई वार कर रहा हो, जैसे स्ट्राइक कर रहा हो, इसके मैकेनिज्म को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये बहुत ही सरल सा एक खिलौना है जो क्रैंक पे आधारित है और क्रैंक गोल गति को सीधी रेखा की गति में परिवर्तित करता है। ये एक चलने वाला खिलौना है, गतिमान खिलौना है, इसलिए बहुत ही आकर्षक है।